गुड मॉर्निंग। तो ये लास्ट डे है हमारा यहाँ पर, लास्ट डे नहीं कुछ घंटे है गोवा में अब हमारे। अरे तो हम लोग 2:40 तक हम यहाँ पे। हाँ तो अभी सुबह के बैठने के बाद एक घंटे ट्रेन में गोवा के अंदर ही रहेगी। 3:40 तक मत नहीं है यार, घर जाने का 9 बज रहे और तुम्हारी बुकिंग है कल की ट्रेन में, आज की है। और हम लोग तीनों निकल गए हैं बीच पे। हम लोग राजबाग वाले बीच पर जाते हैं क्योंकि ये हमारे होटल का प्राइवेट बीच है, तो वहाँ पर जाते हैं, मस्त चिल आउट करेंगे। ये लोग थोड़ा देर पानी में खेलेंगे कूदेंगे, मैं आज चिल मारूंगी और फिर क्या निकलेंगे आएंगे मुंबई। और क्या क्या बोलते हो राज, कल से अपने सारी पूरी रूटीन लाइफ चालू करने के लिए तैयार हो? बहुत नुकसान हो रहा था 200 रुपये का। घूमने में मजा तो बहुत आता है पर आपका काम थोड़ा बहुत रुक जाता है ना? आधा से ज्यादा रुक जाता है। तो जाकर उसे भी कंप्लीट करने में लग जाती है। और मेरा फेवरेट वाला फूल, इसकी खुशबू देखना। ये देखो, ये इसको ना मराठी में रातरानी। वाह, आई रियली लाइक दिस। पर ये रात में ही खुलता है, आपको पता है इस फूल के बारे में? ये सिर्फ और सिर्फ रात में खुलता है इस होटल में। एक्चुअली मेरे सारे फेवरेट फ्लावर्स है। ये देखो बेबी, हम लोग ये फूल लेकर चलते हैं। चलो, रातरानी है, रातरानी। हाँ, ये हमको चाहिए था चाफा। ये फ्लावर लो, ये एक लो, ये देखिए ये है चाफा। लो 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 लो, ये बंद है। बंद है, कोई बात नहीं। ये देखिए, मेरे को भी अपने गले चाहिए। तो ये देखो ये वाले, इसके नीचे तो हम लोग नहीं, यहीं पर है ये वाला पौधा। पौधा नहीं, पेड़। ये देखो बेटा, इधर बहुत सारे उठा लो। चलिए मिलते बीच पर। राजबाग, हाँ मेरे भी क्लिक कर दो। राजबाग पर हम लोग फोटो क्लिक पहले करते और उसके बाद एंजॉय करते हैं। हाँ खींचना है, एक मिनट। हाँ, नाइस ब्यूटीफुल शेल। गोवा आकर राज भी पूरा फॉरेनर बन गए हैं, क्या बोलते हो? नहीं, मैं कपड़े पहना हूँ भाई, फॉरेनर थोड़ी बन गया हूँ। पर सेक कर रहे हो ना समुंदर से ना आकर आकर। फॉरेनर बनते ही नहीं। कैसा लगा विटामिन डी लेकर? अच्छा, मस्त मस्त।
एक्सटेंड करवा ले क्या अपनी हॉलीडेज? हो गया ना, 5 दिन से समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, एवरी डे एक भी दिन मिस नहीं किया है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, आज ट्यूजडे 5वां दिन है। तो बाय बाय राजबाग बीच, बाय बाय, सी यू लेटर या सी यू सून, क्या बोलूँ? क्या बोलूँ, सून बोलती हूँ, सी यू सून। लेटर तो नहीं देखना, मुझे जल्दी देखना है। ओके, तो चेकआउट कर रही हूँ, पूरी तरह से नहीं हुआ, रात गए हैं चेकआउट की प्रोसेस खत्म करने। और बहुत दिनों के बाद आपको मैं बिना चश्मे की और बिना टोपी की दिख रही हूँ, क्योंकि वेकेशन ओवर, नो धूप। अभी सीधा गाड़ी में बैठना है और जाना है कटमाली स्टेशन, जो यहाँ से लगभग 1.5 घंटा दूरी पर है। खाने का कभी मन नहीं है जाने का, बट वेकेशन जैसे चालू होता है। ना मजा आती है, तो वेकेशन जिस तरह से चालू होता है उस तरह से ख़त्म भी हो जाता है ना। चलिए, छोटा सा मुँह करते हुए गोवा से निकलते हैं। पता नहीं चला, एंड प्रॉपर्टी द ललित की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अनिका पूरा 12 से 2 सोई है, क्योंकि 2 घंटे हमें लग गए साउथ गोवा से करमाली पहुंचने में, 2 घंटे 65 किलोमीटर। तो अनिका पूरे टाइम सो कर आई है, पूरे टाइम। सो कैसा है? ठीक है, बहुत ही खराब। मेरा बड़ा मन था कि मैं स्टेशन से ब्लॉग करूं, लास्ट टाइम कर नहीं पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत थी, पर अब थोड़ा सा तो कर पाऊंगी। और ट्रेन आ चुकी है, मुझे पता है। एक तो लगेज और लगेज के साथ दूर तक चल कर आना पड़ा, और ट्रेन साफ भी नहीं की क्योंकि जो लास्ट पैसेंजर आए थे मुंबई से गोवा वो उतरे, और फिर गोवा से मुंबई वाले बैठ गए। तो आई डोंट थिंक कि ट्रेन इतने कम समय में साफ भी हो गई है, वैसे पुरानी बॉटल्स भी दिख रही है, तो कुछ भी क्लीनिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ट्रेन में बैठ कर भी जाना पड़ेगा।
पहुंच गए हैं रत्नागिरी और ये देखिए छोटा बच्चा हुआ खाना तो बनता ही अच्छे मैं एडिटिंग कर रही थी आप सबके लिए जिससे आपको टाइम और वीडियो मिलते पर रत्नागिरी आया तो मैंने बोला थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्यूटी मिस नहीं करना चाहिए वैसे स्टेशन से कोई ब्यूटी नहीं दिखती ये जोक राज मुझे कब से सुना रहे हैं अभी बताओ ये कांच की खिड़की से बेचारा वड़ा पाव कैसे देगा कैसे देगा बकवास वो बहुत कम चढ़ने वाले है रत्नागिरी से काफी तो हाँ हम वही मुझे लग रहा था पहले कि हमारी ट्रेन खाली खाली जा रही है पर वो एक उड़ाल से भरी और अभी रत्नागिरी से पूरी फुल है वो केले ककड़ी सब मिल रहे हैं पर आम आम भी कुछ क्या लेकर आओ बताओ ककड़ी ना भैया जेल डाल देंगे मुझे रेलवे वाले फोड़ने के उसमें जुर्म में अच्छी लगी लोकल ट्रेन अच्छा नहीं लगा